हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप? तो आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। तो सुबह के बजे हफ्ता और सुबह का रूटीन हो गया है शुरू। तो ये हमारे खेत के खीरे कुछ रखे, कुछ मम्मी ने साग अपने पड़ोस में बांट दिए सबके यहाँ, और कुछ हमने खड़े खत्तर रखे, पर दो आदमी यहाँ खाए भी नहीं जाते, खाता ही खाला नहीं तो धरे हैं, बाकी सारे मोहल्ले में बांट दिए। और ये देखिए, एक थाली कचरी रखी, देखो कितनी भरी और बिल्कुल ठंडी हो रही, पर लेकिन बच्चों के बिना सारा सामान बिरानी है। बच्चे तो कभी के काट कर खा देते, हम तो काटने का भी अड़कस कर जाओ कि बच्चे तो काट कर खा दे तो फिर तो खाए जा, और हमें तो काटने का भी अड़कस है, मन करके काट कर खा ले, नहीं तो बाकी धरी रह जा। दोस्तों वॉशरूम तो हो गया है साफ, देखो मशीन भी बिल्कुल साफ करके और बंद करके रख दी है, तो टाइल वगैरह भी धुली गई है, वॉशरूम भी साफ सफाई सब कुछ हो गई है, और कपड़े भी धोकर डाल दिए हैं तार पे, देखो। तो दोस्तों अभी तो 8:15 से इतनी गर्मी है कि किचन में बड़ा नहीं जा रहा, पता नहीं है राम जी क्या करके रहेगा। सुबह तो आई थी, मौसम सा होता ऐसा कि बारिश आवेगी, वरना चली गई देखो। और इधर से भी ये सारी यहाँ से कृषि भरूँगी कि मौसम कभी भी बदल सकता है, बारिश कभी भी आ सकती है, अभी तो फिर धूप खिलगी और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ से सारी कृषि उठा कर साफ करके साफ करूँगी, और ये कट्टे में भरूँगी सारी कृषि कि तभी क्या पता किस टाइम बारिश आ जाए, उसी टाइम में ना ठहर कर बगल रख दूँगी। अभी तो मौसम साफ है, सुबह ही बड़ा था बारिश का मौसम, पर फिर मौसम ऐसा ही चिलचिलाटा हो गया, गर्मी बहुत ज़्यादा है, बर्दाश्त बाहर है बिल्कुल गर्मी। तो चलो अब करती हूँ मैं किचन साफ, किचन की बारी आ गई, तो मैं सोचा किचन का काम निपटा था, किचन की साफ सफाई और खाना बनाने की तैयारी। दोस्तों 9:15 बज गए हैं और खाना बनाने की कर दी है तैयारी। तो अब मुझे पता चला है खीरे मेरे मम्मी ने क्यों रखे थे, क्यों मम्मी कह रही थी बनाने को रहता खीरों का, पर फिर मम्मी के अचानक दिमाग में आ गया कढ़ी चावल का, तो फिर प्लान बन गया कढ़ी चावल का। तो अब मैं बना रही हूँ कढ़ी चावल और रायता बनेगा कल को। दोस्तों 9:15 आ गई है लाइट, तो लाइट ने मुझे कर दिया कंफ्यूजन कि मैं बनाने वाली थी 12 कढ़ी, लेकिन लाइट आ गई, अभी ना खड़का में ना पानी, तो पानी में खड्डा लगने वाला हो रहा, तो मैं फिर डालूंगी चावल। चावल भी मैंने निकाल के रख लिए हैं, मैंने निकाल के साफ करके रख दिया है, अभी मैं धोकर डालूंगी पानी में। बेसन का घोल भी मेरा हो गया है, पकौड़ियों का घोल भी मेरा हो गया है, और बेसन का भी कर दिया तैयार। चूल्हे पर रख दी है कढ़ाई और अब जा बनाऊंगी कढ़ी। तो सबसे पहले तो मुझे अब लाइट आ गई, ऐसे मौके पर लाइट आई, पहले सबसे पहले ना कि बाहर कढ़ी बना लूँ, अंदर फिर बनाऊंगी चावल, कि हवा ज़्यादा है तो इसलिए चूल्हे कहाँ से लग पाती है, तो ज़्यादा लेट हो जाऊँगा खाना बनाने में, और इसीलिए मैंने पानी ढक्कन पर रखा था। पर चावलों के पहले मैं चावल धोकर डाल दूँ पानी में, और उसके बाद बनाऊँगी करूँगी कढ़ी की तैयारी। देखो मेरे कढ़ी चावल बन चुके हैं, देखो कढ़ी बन के हो गई है तैयार, चावल भी उबाल लिए हैं, पर आज खाना आँख बंद करके बनाया मैंने, और ये निकाल लिया है मैंने गाय के लिए, तो अब बनाऊंगी मैं रोटी, क्योंकि जाना था मुझे घास करने के लिए, पर लाइट चली गई है, टैंकर हो गया है खाली, तो पहले सोचती हूँ पहले रोटी बना लूँ, वहाँ तो छाया इतना लाइट भी आ जाएगी, और उसके बाद मैं करकाऊँगी घास। तो आज ये भी खेत में तो जल्दी आ लिए, आज इन्होंने मेरे आधा काम वो कर दिया, क्योंकि मैं खड़ी चावल मोड़ रही थी, इन्होंने डांगरों को नुआ दिए। तो देखो मेरे भी चूल्हे पर धूप आएगी, देखो मैं भी कैसे धूमा मंडू, चूल्हे पर धूप आएगी, इसलिए पहले इसके काम निपटा लूँ खाने का ही, और उसके बाद चलूँ नीचे घास करने के लिए। चल बना रोटी है, आज तो गर्मी ठाडो का हो रही बहुत ज्यादा, सारा पानी खाड़ का पसीनों का जब रोटी बनाऊँ मैं तो। अच्छा देखो इसी मारो, पहला चोखा सारा पानी पी लूँ, मगर रोटी बनाने वाली करना ना वो बना ला, तो फिर डांगरों की सानी भी करनी है। चलो बिजली भाग गई, टैंकर खत्म हो रहा, टैंक भर लिए और फिर सानी कर लिए, देखो मैं बिजली आ रही का है, नीचे तो मगा छाया है, यहाँ से धूप आएगी चूल्हे का, पहला खाने का काम निकाल दो। चल ठीक है बना, मैं पानी का जुगाड़ देख लूँ। हाँ आपके लिए खाना गया ही, लगा गर्मी ज़्यादा है बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों लक्की के पापा जी नहा लिए और इनके लगा दिया है मैंने खाना, तो अभी मैं नीचे से ही आई, आज कढ़ी चावल बनाए, बल्कि सलाद तो इन्होंने ही चीर ली, देखो खीरे और फूट चीर रखी, आज इन्होंने पहली बार समझदारी का काम करा है जी। हाँ
फिर तो मैं भी सोच रही थी मैं यार संडे तो नहीं है, फिर मैं कल जुम्मा बताई थी मम्मी फिर आगे। तो दोस्तों मम्मी नहा ली है, 12 बज गए हैं, तो अगर मम्मी नहाई और नहा के मम्मी के लिए लगा दिया खाना, तो आज मम्मी ने फिर कड़ी चावल बनाए। मम्मी मेरे सब्सक्राइबर ने कहा था बहुत कड़ी चावल खाओ। हाँ तो आलू की सब्ज़ी भी ज़्यादा अच्छी लगती, दाल दूड़ इतनी अच्छी लगती, तो कड़ी चावल मम्मी को बहुत पसंद है, इसलिए मम्मी कड़ी चावल बनवाती रहा। तो मम्मी के लिए कड़ी चावल लगा दी, और ये सलाद कट्टी लक्की के पापा जी ना मैं नीचे का कर खाई थी, तो ये वैद ऊँट और खीरे। मम्मी आज मेरे सब्सक्राइबर का फोन आता, हाँ बात करी उन्होंने, कहती मैं तो कई दिन से सोच रही थी आपसे बात करूँ, बहुत मन और था बात करने का, मकान में भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अच्छा लगा। हाँ तो मेरी जी छोटी आई है सूट सलवार लेकर, और मैंने इसके सूट सलवार छाँटवा दिए भैया दफारी हो रही बाय ते चल दी। तो मैंने से थोड़े से खीरे भी दे दिए, और वो भी सलाद बना खा ली, और दीदी को भेज दे कर, दीदी आती नहीं। हाँ चल जा बेटा आराम का। अभी दूध निकाल के लाई, और अब जब झाड़ू लगाऊंगी दोनों कमरे साफ करती हैं, तो झाड़ू लगा कर ठाकुर जी को मैंने बैठा दिया है बाहर कि अभी नीचे जाँ, हम दिन में नीचे चले जाँ मम्मी के पास कमरे में सारे लेट जाँ। और देखो ठाकुर जी भी बैठ गए बाहर, मकाज बैठ जाओगे आंखों में गर्दा भर जाएगा थारा, हवा इतनी तेज चल रही। और अभी झाड़ू लगा कर फिर दूध जमाऊंगी और दूध पकाऊंगी और बनाऊंगी खाना। मम्मी और लक्की के पापा जी जा रहे खेत में मुड़ा करने के लिए, यहाँ पर है इस घर में जागा अंशु अपनी बुआ जी आजा, और अंशु देख जागा अपनी बुआ जी का ये फूट ले रहा अनु सूट सलवार छटवाड़ा तो फिर देती मैं बेटा कोई खीरे भी ले जा। अरे तो अंशु ले जा रहा अपनी बुआ जी के लिए फूट दिया बात। लगो बाजी फूट खा लो आलिया। आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आओ तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।